हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रवीण अंचल एंड आई वेलकम यू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल ऑफ कोर एकेडमी। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यू नो द लास्ट सेकंड लास्ट यू नो पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज इंपीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म और विजुअलाइजिंग द नेशन। तो ये दो टॉपिक हम बहुत अच्छे से इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहला यू नो टॉपिक है, ये पार्ट फोर है ना, विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग द नेशन और दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो यू नो टॉपिक है वो है इंपीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म। ठीक है, इंपीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म है ना। तो ये जो दो टॉपिक है हम इस पूरे चैप्टर में बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग, विजुअलाइजिंग द नेशन का जो टॉपिक है वो। तो देखिए, अभी तक हमने बहुत सारे देश को बनते हुए देख चुके हैं, चाहे वो ग्रीक हो, चाहे वो बेल्जियम हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो यू नो आपका इटली हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे ब्रिटेन हो। तो बहुत सारे देशों को हमने बनते हुए देख चुके हैं। लेकिन अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या सिर्फ कुछ जमीन के टुकड़ों को एक कर देने से वो देश देश बन जाता है क्या, तो आप आंसर दोगे नहीं सर, ऐसा नहीं होता। तो और भी कुछ करने की जरूरत होती है, जैसे कि लोगों में देशभक्ति, देश के जो नागरिक है उनमें देशभक्ति की भावना जागृत करना बहुत जरूरी है। और इसी के लिए हम लोग ये जो टॉपिक पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन, मतलब कि हम अपने देश को विजुअलाइज करेंगे कि हमारा देश कैसा होगा, है ना, कैसा उसका पूरा यू नो कॉन्सेप्ट होगा। तो ये हम लोग समझेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन में। तो इसे समझने से पहले मैं आपको एक एलिगोरी के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि एलिगोरी जो है इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे। तो एलिगोरी ऐसे सिंबल को कहा जाता है जिससे कि हम लोग किसी आइडिया फिर किसी थॉट को एक्सप्रेस करते हैं, है ना। और नॉर्मली जो आइडिया होता है वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, जैसे कि डेमोक्रेसी हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो सभी आइडियाज है ना वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिसे हम छू तो नहीं सकते, बट वी कैन फील दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना। तो ये जो सभी आइडियाज होते हैं उसे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं। तो इसमें जो है यू नो एलिगोरीज में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को विजुअलाइज करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत के केस में हम लोग भारत को एक फीमेल फिगर की तरह पर्सोनिफाई करते हैं जिसे भारत माता कहा जाता है। ठीक है, तो जब भी भारत माता का जिक्र होता है तो हम लोग सभी यूनाइटेड हो जाते हैं, दैट वी ऑल आर यू नो इंडियंस। तो उसी तरीके से कुछ और भी देश जो है अपने कंट्री को एज अ फीमेल फिगर पर्सोनिफाई करते हैं। पर्सोनिफाई मतलब का होता है कि आप अपने देश को एक पर्सन की तरह यू नो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो पर्सन रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, दैट पर्सन इज इमेजिनरी, मतलब वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है। भारत माता इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ओके, तो उसी तरीके से जैसे जर्मनी में हम एक फीमेल फिगर का रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे जर्मेनिया, तो जर्मेनिया पूरे जर्मनी को रिप्रेजेंट करती है। वैसे ही फ्रांस में जो है ना मैरियने, तो मैरियने जो है वो फ्रांस को पूरा रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरीके से जो है ये एलिगोरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये कई बार वन मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कि जर्मेनिया बिलोंग्स टू विच कंट्री, मैरियने बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो ये आपको अच्छे से पता होगा कि जर्मेनिया बिलोंग्स टू जर्मनी एंड मैरियने बिलोंग्स टू फ्रांस, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में कुछ और भी बहुत सारे दूसरे सिंबल्स हैं, दूसरे एलिगोरीज हैं जो कि हम यूज करते हैं। जैसे कि यू नो जो जर्मेनिया का आप इमेज देखोगे तो वो हमेशा एक ओक लीव्स से बना यू नो क्राउन पहनती हैं। तो ओक लीव्स किसको रिप्रेजेंट करता है, हीरोइज्म को, है ना। उसी तरीके से जो ब्रोकन चेन है वो फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है। जो रेड फ्रिजियन कैप होता है वो भी फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, जो कि स्लेव्स जो है वो यू नो फ्री होने के बाद उसे पहनते हैं, है ना। जो बंडल ऑफ रॉड होता है वो यूनिटी को शो करता है। राइजिंग सन है वो न्यू बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग वो किसको शो करता है, एक इटर्निटी को शो करता है, मतलब नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड, तो वो वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है ना। उसके बाद में जो एक यू नो स्कैप्टर होता है वो किसको शो करता है, रॉयल पावर को शो करता है। तो इतने सारे जो एलिगोरीज है ना वो यू नो आप अगर मेंशन करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में तो आपको पूरा मार्क्स मिलने का पूरा चांस होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द विजुअलाइजिंग द नेशन, आपको बहुत अच्छे से आई होप समझ में आया होगा। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नेशनलिज्म एंड
इंपीरियलिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म को। देखो जो नेशनलिज्म वर्ड है तो वो कैसे बना है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि नेशनलिज्म का मतलब होता है प्यार और रिस्पेक्ट और ऑनर अपने देश के लिए, ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छा चीज है, बहुत ही पॉजिटिव चीज है। लेकिन अगर आप इंपीरियलिज्म की बात करोगे तो इंपीरियलिज्म बहुत ही नेगेटिव टर्म होता है। क्यों? क्योंकि आप इसमें अपने देश की टेरिटरी को बढ़ाने की कोशिश करते हो दूसरे देश को कब्जा करके, है ना। तो जैसे आज की डेट में अगर बात करो तो चाइना हमेशा जो है वो दूसरे देश के टेरिटरीज को कब्जा करने की कोशिश करता है, जैसे इंडिया के टेरिटरीज को, जापान के टेरिटरीज को, तिब्बत को तो पूरा कब्जा कर ही लिया है, हांगकांग को तो पूरा कब्जा कर ही लिया है ना। तो क्या कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे चाइना कौन से पॉलिसी को फॉलो करता है, इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी को। वैसे ही जब हम फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे तो जो ब्रिटेन है वो इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी को फॉलो करता था, क्योंकि ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, चाइना सभी के ऊपर कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करते हैं अपने देश की टेरिटरी को बढ़ाने के लिए, पावर को बढ़ाने के लिए, तो उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, इंपीरियल कॉन्सेप्ट बोलते हैं या फिर इंपीरियलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इंपीरियलिज्म है काफी निगेटिव टर्म है, और इसी के अंडर पे एक बाल्कन रीजन वाला केस स्टडी है जो कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ। चलिए समझते हैं बाल्कन रीजन को, और इस पूरे टॉपिक से जो बाल्कन एरिया है ना उसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, है ना। तो इस बाल्कन जो रीजन का केस स्टडी को बहुत अच्छे से इन डिटेल समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाल्कन रीजन का केस स्टडी, है ना। तो बाल्कन रीजन किस में आएगा, इसी इंपीरियलिज्म के अंडर पे आएगा बाल्कन रीजन। अब बाल्कन रीजन में हो क्या गया था, तो बाल्कन रीजन में हो गया था टेंशन। क्या हो गया था भाई, टेंशन, ठीक है। और ये टेंशन कब स्टार्ट हुआ था, टेंशन आप लिख लीजिएगा टेंशन इन बाल्कन रीजन, ठीक है, टेंशन इन बाल्कन रीजन। ये कब से स्टार्ट हुआ था, 1871 से। कब से स्टार्ट हुआ था, 1871 से, है ना। एक्चुअली हुआ क्या, तो जो ये बाल्कन रीजन है ना वो किसके अंडर में था, ऑटोमन एम्पायर। किसके अंडर में था, ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर ना आज का टर्की है, ठीक है। क्या है भाई, आज का टर्की को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोमन एम्पायर बोलते हैं ना। तो आज का टर्की इज ऑटोमन एम्पायर, और ये जो है ऑटोमन एम्पायर ही जो है पूरे बाल्कन एरिया को रूल करता था। ये बाल्कन रीजन यूरोप का बहुत ही इंपॉर्टेंट, कहां पर है भाई लिख लो, ये है भाई यूरोप में, ठीक है। और बाल्कन रीजन इज इन यूरोप, और ये बहुत बड़ा एरिया है ना, इसमें जो है जो रोमानिया, सॉरी जो अल्बेनिया है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, ग्रीस है, क्रोएशिया है, और जो आपका सर्बिया है, ये सभी कहां पर आते हैं, बाल्कन रीजन में ही आते हैं, ठीक है। तो ये जो सभी रीजन थे ना छोटे छोटे, वो क्या सोचते थे कि पुराने समय पे हम सभी आजाद देश थे, और जो बाहर से पावरफुल कंट्रीज है उन्होंने हमको सब्जुगेट कर दिया। सब्जुगेट मतलब कि हमें अपना गुलाम बना लिया, हमें अपने अंडर में कर लिया। तो इस वजह से वो एक रोमांटिसिज्म का पूरा जो फीलिंग था वो उस बाल्कन रीजन में फैल गया, और इसी वजह से लोग अपने आप को जो वहां के लोग थे अपने आप को आजाद करना चाहते थे ऑटोमन एम्पायर के रूल से। और दूसरी साइड ऑटोमन एम्पायर भी अब कमजोर पड़ता जा रहा था, क्योंकि वहां के खलीफा उतने अब स्ट्रांग नहीं रहे। तो इस वजह से ऑटोमन एम्पायर भी बाल्कन रीजन को बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया, और उसी का फायदा उठाते हुए जो बाल्कन रीजन के छोटे छोटे रीजन थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। तो जो छोटे छोटे रीजन मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था वो अब एक इंडिपेंडेंट देश बन चुके थे। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि ये जो छोटे छोटे देश अब स्वतंत्र हो चुके थे, आजाद हो चुके थे, उनके लिए आजादी का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत नया था। वो अपनी आजादी को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए, और एक दूसरे के प्रति जेलस की भावना रखने लगे, और एक दूसरे के एरिया को कब्जा करने की कोशिश करने लगे। मतलब इंपीरियल बिहेवियर उनके तरफ से देखने को मिला, और दोस्ती करने के बजाय वो दुश्मनी कर बैठे, और यही दुश्मनी जो है वो सिंबल ऑफ वीकनेस बना। और इसी का फायदा कौन उठाना चाहता था, जो बड़े बड़े देश थे, जैसे कि जर्मनी है, ब्रिटेन है, रशिया है, ऑस्ट्रिया हंगरी है। तो ये जो देश थे बड़े बड़े, वो इस वीकनेस का फायदा उठाकर पूरे बाल्कन रीजन को कंट्रोल करके अपना पावर और अपना रिसोर्सेस को बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। तो इसीलिए ये जो बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज हैं वो बाल्कन रीजन पर कंट्रोल करने के चक्कर में खुद ही लड़ बैठे आपस में, और इसी वजह से क्या स्टार्ट हो जाता है, वर्ल्ड वॉर वन। तो इसी टेंशन की वजह से आगे क्या स्टार्ट हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर वन। कब से स्टार्ट हो जाएगा भाई, 1914 से, है ना।
तो 1914 से वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो जाएगा और आप देखेंगे कि ये जो इंपीरियल पॉलिसी है या फिर इंपीरियल यू नो बिहेवियर है जो बड़े बड़े कंट्रीज का है ना, उसकी वजह से वो कई सारे छोटे छोटे कंट्रीज को अपने कब्जे में कर लेते हैं, जैसे कि ब्रिटेन ने भारत को अपने कब्जे में कर लिया। तो भारत में भी एक फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो यू नो स्टार्ट होगा अगेंस्ट दिस ऑल इंपीरियल पॉलिसी, जिसे हम लोग एंटी इंपीरियल मूवमेंट कहते हैं या फिर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल भी कह देते हैं, है ना। तो इसे हम लोग किसमें समझेंगे, हिस्ट्री के लेसन नंबर टू में, जिसे कहते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, है ना, जिसमें हम कैसे ब्रिटिशर से लड़ाई लड़ेंगे, उनके इंपीरियल पॉलिसी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, अपने आजादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो ये सभी हम किसमें समझेंगे, हिस्ट्री के लेसन नंबर टू में समझेंगे, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। तो अब यू नो इतना ही है इस पूरे यू नो पार्ट में। सो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा और आपने पूरी चीजों को बहुत अच्छे से समझा होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर, दैट्स इट इन दिस वीडियो, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।